Hello students, I welcome all of you in Kennes Educare. Today we are learning quadratic equation, these chapters from your 10th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है हमने देखा था बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, देन हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देखा, देन फार्मूला मेथड हमने लर्न किया. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स. In the previous section, you have seen that the roots of equation x square plus bx plus c is equal to 0 are given by x is equal to minus b plus or minus in root b square minus 4ac upon 2a. If b square minus 4ac is greater than 0, we get two distinct real root जो यहाँ पर minus b upon a plus in root b square minus 4ac upon 2a होता है and minus b upon 2a minus in root b square minus 4ac upon 2a होता है. If b square minus 4ac is equal to 0, then x is equal to minus ba upon 2a. ओके, तो यहाँ पर x is equal to क्या आता है minus b upon 2a and minus b upon 2a. सेम ही रूट हमें मिलता है. So the roots of the equation x square plus bx plus c is equal to 0 are both minus b upon 2a. Therefore, we say that the quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 has two equal real roots in this case. If b square minus 4ac is less than 0, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छोटा है, देन देयर इज़ अ नो रियल नंबर्स, यहाँ पर रियल नंबर नहीं मिलता है. ओके, सो स्क्वायर इज b स्क्वायर माइनस 4ac. देयरफॉर देयर आर नो रियल रूट्स फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस केस. सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स और नॉट, b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So the quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 has two distinct real root if उसका discriminant जो है greater than 0 हो, तब b square minus 4ac is greater than 0. Two equal real roots if b square minus 4ac is equal to 0 and no real roots if discriminant जो है यहाँ पर students ये less than आए 0 से. Let us consider some example. Find the discriminant of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0 and hence find the nature of its root. The given equation is of the form x square plus bx plus c is equal to 0 where a is equal to 2, b is equal to minus 4 and c is equal to 3. Therefore the discriminant यहाँ पर b square minus 4 is equal to क्या होगा, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 वी गेट 16 माइनस 24 जो आता है माइनस 8 विच इज़ लेस दैन 0. इसका मतलब द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट बिकॉज ये लेस दैन 0 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है. सो देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स. अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ डायमीटर 13 मीटर्स इन अ सच अ वे दैट the differences of its distance from the two diametrically opposite fixed gates AB on the boundary is 7 meters. जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ पॉसिबल टू डू सो इफ येस, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी पोल बी इरेक्टेड. देखिए लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. यहाँ पर हमने डायग्राम आपको दिख रही है. यस, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर पी है. सो लेट पी बी द रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ द पोल. लेट द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द गेट बी इज x मीटर. अगर हम बी से x मीटर एज्यूम करते हैं तो बी पी यहाँ पर x मीटर आ गया. नाउ द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द टू गेट्स ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू क्या होगा, 7 मीटर. सो देयरफोर ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, ए पी हमें मिल जाएगा x प्लस 7 बिकॉज ए पी एंड बी पी का जो डिफरेंस है हमें 7 मीटर दिया है, तो x प्लस 7 हो जाता है ए पी. तो स्टूडेंट्स हमें पता है अगर यहाँ पर ये इंस्क्राइब ये जो ट्रायंगल है ये कहाँ पर है, सेमी सर्कल में आ रहा है. ए बी क्या है, डायमीटर इस सर्कल की. तो यहाँ पर ये पी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री मिलेगा. सो दैट्स वाई वी आर क्या हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. येस, नाउ ए बी इज इक्वल टू 13 मीटर. सिंस ए बी इज़ अ डायमीटर तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. तो ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. ए पी बी क्यों 90 आ गया, बिकॉज द ट्रायंगल इज इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू डालिए तो x प्लस 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13. तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120. तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं सबको. तो व्हाट वी गेट, हमें यहाँ पर मिलता है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. सो इट वुल बी पॉसिबल टू प्लेस द पोल इफ दिस इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स. To see if this is so or not, let us consider the discriminant. The discriminant is b square minus 4ac is equal to 7 square minus 4 multiply with 1 multiply with minus 60. We get 289, which is greater than 0. So students, by the formula method से हम यहाँ पर find out कर सकते हैं. So the given quadratic equation has two real roots and it's possible to erect the pole on the boundary of the park. So solving quadratic equation x square plus 7x minus 60 is equal to 0. So by the quadratic formula, discriminant हमें मिला था यहाँ पर d जो था 289 मिला है, तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो. तो 289 इट्स अ स्क्वायर ऑफ 17, सो दैट्स वाई माइनस 7 प्लस और माइनस 17 अपॉन 2. तो माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2 किया तो मुझे वैल्यू मिलेगी समथिंग, तो वो 5 मिलती है. एंड अगर सेवन माइनस 17 अपॉन 2 किया तो मुझे माइनस 12 मिलता है. सिंस x इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द गेट b, इट मस्ट बी पॉजिटिव. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 12 विल बी, हम इसे निगलेक्ट करेंगे. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 5 मिला. दस द पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द गेट b एंड 12 मीटर फ्रॉम द गेट a. एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट. फाइंड देम इफ दे आर रियल. सो हियर स्टूडेंट्स देखिए, a इज इक्वल टू 3 होता है, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन 3. 3 गेट कैंसिल, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर 0 आ रहा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 इक्वल्स हमें रूट मिलेंगे. सो हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स. द रूट्स आर माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a, जो 2/6 बनेगा. ओके, तो 2/6 को ही हम 1/3 भी लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या लर्न किया है इन दिस चैप्टर. यू हैव स्टडी इन द फॉलोइंग पॉइंट्स. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. A real number alpha is said to be a root of the quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 if a alpha square plus beta alpha plus c is equal to 0. The zeros of the quadratic polynomial x square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 are the same. If we can factorize x square plus bx plus c and a is not equal to 0 into a product of two linear factors, then the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 can be found by equating each factor to 0. A quadratic equation can also be solved by a method of completing square. And quadratic formula क्या है, minus b plus or minus in root b square minus 4ac upon 2a, provided b square minus 4ac greater than or equal to 0. A quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 has two distinct real roots if b square minus 4ac is greater than 0. टू इक्वल रूट्स यहाँ पर इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है, यहाँ पर कोइंसिडेंट रूट्स हो जाते हैं. एंड द नो रियल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. ओके, तो आई थिंक आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे. हमने फॉर्मूला मेथड देखा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखा, एंड हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स भी देखा, हाउ टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स. आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज सीखे, सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.